दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ पांच ऐसे बातों को बताने वाले हैं जो खेसारी लाल यादव करके दिखा और करने के साथ साथ अगले को भी काफी ज्यादा मुनाफा हुआ है खेसारी लाल यादव के इस छोटे से प्रयास से। तो चलिए उसको हम दिखाते हैं और आपको बताते हैं और साथ ही साथ खेसारी लाल यादव के इन सभी गानों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि किसने कितना कमाल दिखाया और इससे खेसारी लाल यादव को कितना बेनिफिट हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, अगर नंबर पांच की बात करें तो खेसारी लाल यादव का ये गाना आता है और ये गाना आने के बाद लगभग भाई साहब इस गाने को आने से पहले लगभग 5 महीने इंतजार करना पड़ा था। आने से पहले होल्ड करके रखा गया था खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी का ये गाना था। अब देखिए, खेसारी लाल यादव का गाना और नीलम गिरी का गाना ये आता है मार्केट में। अब ये गाना मार्केट में आने के बाद लगभग व्यू 4.9 मिलियन कलेक्शन करता है। कहें तो खेसारी लाल यादव और नीलम गिरी का पहला सॉन्ग था जो कि आपको देखने को मिला होगा। अब दोस्तों, अगर नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे आता है वही गाना जिसका बहुत इंतजार नहीं फिर भी इंतजार करना पड़ा, जाए करेजा 2। ये गाना रिमेक किया हुआ है खेसारी लाल यादव का। ये गाने के लिए काफी लोग मतलब खेसारी फैन इंतजार कर रहे थे कि भैया का रिमेक आ रहा है, रिमेक आ रहा है। मतलब दोस्तों, रिमेक का इतना क्रेज बढ़ गया है कि खेसारी लाल यादव के पुराने हिट जितने भी गाने हैं उन सबका रिमेक डिमांड किया जा रहा है। तो ये गाना आया जाए करेजा 2, ये लगभग कलेक्शन की बात करें तो 9.9 मतलब समझ लीजिए 10 मिलियन व्यू ले ही लिया है अपने गाने पे। अगर दोस्तों बात करें नंबर 3 की तो थोड़ा एकदम धैर्य कर लीजिए क्योंकि ये जो गाना है ना एकदम आग लगा के रख दिया था, बवाल कर दिया था। गाना आने के बाद मतलब समझ जाइए कि खेसारी लाल यादव का ये भी एक ऐसा गाना है जो कि आने के बाद रील पे इतना ज्यादा ट्रेंड किया था, इतना ज्यादा वायरल हुआ था रील पे कि खेसारी लाल यादव का ये गाना मतलब लगभग 58 मिलियन व्यू गया है और बहुत कम समय में। इस गाने का नाम है एक बात बताई, वही खेसारी लाल यादव का और आजाद सिंह का ये गाना मतलब भाई साहब बवाल और एकदम तहल का ये गाना रील पे इतना ज्यादा ट्रेंड चला, इतना ज्यादा ट्रेंड चला कि खेसारी लाल यादव का ये गाना ट्रेंडिंग में सेक्शन में भी था और इंस्टाग्राम पे भी ये गाना एकदम बवाल था। अब दोस्तों बात करेंगे नंबर 2 की तो नंबर 2 पे आते हैं खेसारी लाल यादव का सबसे बवाल बवंडर एकदम भारी भरकम गाना, अभी तक का सबसे तगड़ा गाना नींबू खरबूजा भल 2। इस गाने का आलम कुछ इस लेवल से था कि गाना आता है बेस्ट भोजपुरी पे और उस गाने पे लगभग 24 घंटे में 5 मिलियन व्यू क्रॉस करता है। मतलब भाई साहब इतना कम समय में इतना तगड़े लेवल का व्यू इस गाने के लिए और इस चैनल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस वाले गाने की हम आपको बता दें तो ये गाने 2 चैनल पर रिलीज है, अभी फिलहाल बेस्ट भोजपुरी पे है जिसपे आपको 149 मिलियन व्यू गया और दूसरे चैनल पे 1 मिलियन व्यू गया, मतलब टोटल 150 मिलियन ये गाना व्यू अचीवमेंट किया है। देवी और सज्जनों बात करने वाले हैं नंबर 1 की तो उसको जानने के बाद आप कहिएगा कि दोस्तों नाम में ही पावर है, झमकावला से ना हुई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर नंबर 1 पे क्या है और कैसे है। देखिए, बात कर रहे हैं बेस्ट भोजपुरी चैनल की तो भाई साहब जब खेसारी लाल यादव का गाना आता है नींबू खरबूजा भल 2, उस वक्त का आलम कुछ ये था कि उस चैनल पे सब्सक्राइबर लगभग 35,000 था। आपने अगर उस गाने को सुना होगा, चैनल पे फोकस किया होगा, थोड़ा गहराई में उतरे होंगे गाने को सुनते सुनते तो उस पर आपको नजर आया होगा कि 35,000 सब्सक्राइबर था। उसके बाद अगर बात करें अभी फिलहाल प्रेजेंट डेट की डाटा तो उस चैनल पे सब्सक्राइबर है 8,31,000 सब्सक्राइबर उस चैनल पे है। मतलब खेसारी लाल यादव का नाम उस चैनल के लिए ब्रांड है और उस गाने ने साबित कर दिया कि मतलब भाई साहब झमकावला से ना हो। तो चलिए, ये इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।